बच्चों के बेडरूम में बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए, उनके पुराने टूटे फूटे खिलौने नहीं होने चाहिए, उनकी जो है पुराने शूज होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, पुरानी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मम्मी को ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है खिलौने देते हुए, नहीं खेलता है कभी कभी, क्या खेलता है कभी कभी, नहीं किसी और को नहीं, जब टॉयज चार आएंगे ना तो पुराने चार जाएंगे, सीधा सीधा खेल लेता है कभी कभी, टूटे हुए टायरों से खेल रहा है बच्चा, क्या खेल रहा है, टूटी हुई गुड़िया सर नहीं है खेलता है, क्यों खेल रहा है, खेल रही है, क्यों खेल रही है, आधी चीजें गायब है, रखा रिमोट नहीं है, चलो जी कोई नहीं, खाली रिमोट रखा हुआ है, गाड़ी का है वो तो टूट गई, रिमोट से भी खेल ले, क्या चलाता है रिमोट से। आपसे कभी कुछ ऐसी खातून से कभी आपका इंटरेक्शन हुआ है, जब बताए ना छोटे छोटे टॉयज मिलते हैं मील्स के साथ, जो एक है वो हर मील के साथ रखे हुए जमा करती जाएंगी करती जाएंगी, एज ए वीडियो ने मिलकर हार मिल, तो ये अगेन ज्यादा अच्छा एक और चीज भी आपको पता है बच्चों को क्यों कहते हैं चीजें फेंक देनी चाहिए, उनके साथ ले लेनी चाहिए, हमारे बच्चों ने एक और आदत पता होगी पोजेशन की, बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ छीनेगा, सो अगेन फेंग शी अगेन वाई इट्स अ लाइफस्टाइल इज बिकॉज ये आपको मेंटली प्रिपेयर करती है कि जो चीज़ यूज हुई उसको लेट गो कर दोगे, सो लेटिंग द आर्ट ऑफ लेटिंग गो ऑल्सो कम्स फ्रॉम इट व्हेन यू गेट रिड ऑफ द क्लटर, राइट। सो वो जो माँ कहती है ना इस एक टांग वाली गुड़िया की अभी शादी कराएगी मेरी बच्ची, और ये टायर वाले को ये खाली टायरों को चलाएगा मेरा बच्चा, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को सिखा रहे हो कि कोई चीज़ को लेट गो मत करो, जिस तरह वो चीज़ों को लेट गो नहीं करता इस तरह वो पुरानी पुरानी मेमरीज और उसको भी लेट गो नहीं करता, तो यू आर बेसिकली दीज काइंड ऑफ द थिंग्स कि आप अपने घर को डिक्लटर कर रहे हो, चीज़ें फेंक रहे हो, आप एक खास डायरेक्शन में चीज़ों को रख रहे हो, बच्चे को बता रहे हो कि नीट एंड क्लीन रहना है, तो बच्चे मेंटली भी प्रिपेयर होगा, नॉट ओनली फिजिकली बट इट्स अ मेंटल ट्रेनिंग एज वेल। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मेरी पुरानी मेमरीज एल्बम्स बहुत सारी रखनी चीज़ें जमा करके मैं नहीं रखती, मैं शुरू से मैं अपने अब्बा ने बल्कि फाइलें बनाई हुई थी मैं कि मेरे इंटरव्यूज चीज़ें आ रही हैं मैं नहीं जमा करती, मैं कहती हूँ तो मुझे यादें नहीं रखनी, मैं चाहती हूँ मैं आज में जीऊँ, पीछे क्या हुआ कैसा था आई डोंट वांट टू नो, बट फॉरवर्ड होना कितना ईजी है से, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में फॉरवर्ड होना हाँ, मुझे पता आपका। मैंने कहा वक्त मुझे बताएगा कि हाँ। मैं शुरू से बता रही हूँ 9-10 साल की उम्र से मेरा यही है, और मैं कहती थी कि वक्त बताएगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ, और मेरे पास कोई पुरानी चीज़ें नहीं मेरे बचपन की, फला आई डोंट हैव एनीथिंग, इस घर में ना मैंने बच्चों की निशानियाँ रखी हैं, बिकॉज यू नो यू वांट टू चेरिश द मेमोरी ऑफ देम, बट कीपिंग देयर फर्स्ट पहले दफा का कपड़ा बच्चों के हाथ का प्रिंट लो और उसको कर तो बड़ा एक क्रेज आया था बेबी डायरी, मैं बनाते भी मुझे लगा मैं क्या कर रही हूँ, तो बड़े होते जाएंगे मैं मुझे लग रहा है मैं इस किताब में बंद हो जाऊंगी, मैंने बेबी बुक्स लेके नहीं किसी ने गिफ्ट दी थी मैंने यूज नहीं किया उसको, मैंने कहा मुझे नहीं याद रखना कभी छोटे थे जब थे तो मैं क्यों अपने साथ रखूँ, जो जिस एज के होंगे क्योंकि बच्चे छोटे ही प्यारे लगते हैं क्या करें, लेकिन जब बड़े हो जाते भूत बन जाते हैं, लेकिन अब उसी भूत के साथ रहना है तो प्यार करते मेरे, अगर मैं याद करती रहूंगी तो छोटी होती कितनी थी, लेकिन अब नहीं है, तो इट्स बेटर कि सब उस मेमोरी को मैं साइड पे कर दूं इसी भूत के साथ, बच्चों के बेडरूम में इसी तरह ओल्ड बुक्स होती हैं उनकी पुरानी बुक्स हो गई वो स्टोरी बुक्स वगैरह प्रीवियस क्लासेस की बुक्स वगैरह वो भी कलेक्ट ना करें, वो भी आप उसको किसी को दे दें डोनेट कर दें, इस तरह से पुराने कपड़े हो गए पुरानी चीज़ें कोई भी ऐसी चीज़ पुरानी जो है ना आप पुरानी ना रखें, प्लस ऐसे वक्त में ऐसे ईयर में कोई मिसहैप हुआ घर में दादी का इंतकाल हो गया जी ये कपड़े तो मुझे दादी ने लेके दिए थे इंतकाल हो गया, मुझे नानी ने कपड़े लेके दिए थे इंतकाल हो गया, वो उनके साथ उनकी अटैचमेंट होती है वो आपके साथ वही मिसहैप जब भी आप उनको यूज़ करोगे मिसहैप बहुत दफा देखा है कि लोगों ने घर ही बदल दिए एरिया ही बदल दिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात कुछ अगर आपके साथ बुरा किसी कोई मेमोरी है बाकी घर चीजें बदल दे ताकि वो आपको याद ना दिलाए, चीजें किचन के हवाले से छोटी सी चीज बताऊंगी बच्चों का आएगा बेडरूम की बात हो रही है, बट ये जो आप करते हैं जो मेन्यूज नहीं संभालते मेन्यूज आ गए तो मेन्यू आप उसको डिस्कार्ड कर दे, वो जो पिक्चर ले अब आपको क्या है कि आपने इतना सारा ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में देखी, हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर अक्सर इतने सारे फाइल्स पड़े होते थे डिस्प्लेस के जो भी हम खरीदते थे वो डाइनिंग टेबल में खरीद थी, इवेंचुअली मैंने एक महीना पहले सारी सफाई की एक भी रिसीट मेरे काम की नहीं थी, एंड इनफैक्ट उससे होता क्या था कि हम जब खाने पे बैठ रहे ना सम हाउ हम खाने पे एक साथ भी बैठ सकते थे आई डोंट नो व्हाई, और मैंने एक नोटिस मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया जब से मैंने स्लिप्स वो सारी एक दो बुक्स पढ़ी थी इन्होंने ये सब लानी ये करना वो तब से जब से मैंने अपने डाइनिंग टेबल से हटाया है हम शुरू भी साथ कर रहे हो खत्म भी साथ कर रहे हैं, सो दैट इज समथिंग दैट हैपेंड दैट आई हैव एक्चुअली पर्सनली एक्सपीरियंस मोर देन एनीथिंग, सो एक तो वो जूते हटा दिए बेड के नीचे से जो कभी हम लगा करते थे,
एक ये जो मैंने कहा स्लिप्स होती थी वो स्लिप्स सारी मैंने फेंक दी, अब मैं कोई सिद्ध बनाने का। अच्छा एक बच्चा था जो कि बड़ा डिस्टर्ब था, जिसको लगता था मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। चलिए तो उसकी काउंसलिंग की, साइकाट्रिस्ट के पास लेके गए, काउंसलर के साथ ठीक नहीं हो रहा। और फिर जब किसी ने ऐसे सर्वे किया, उनके घर में कोई आए बेघर, तो वो फेंगशुई को बड़ा करते थे। उन्होंने देखा उस बच्चे के कमरे में मैगजीन भरे हुए थे, ये जो नहीं होते साइको किलर्स मर्डर के, और किताबें मर्डर मिस्ट्रीज ऐसी चीज़ें उसने बहुत रखी हुई। तो निकालो इस किताबें, ये जो किताबें अच्छा बाथरूम में हम रखते हैं मैगजीन किताबें, नहीं रखनी चाहिए, कुछ ना रखें। बाथरूम भी बड़ा क्लीन, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बुरी एनर्जी आती है, और बाथरूम की सफाई का बहुत ख्याल रखा करें। गंदे पुराने टॉयलेट क्लीनर ब्रश फेंके, दो महीने में चेंज करें सारा सामान, फिर पुरानी बोतलें रख के भूल जाते हैं, अलमारियाँ होती हैं बाहर भी कपड़े पुराने भरे हुए, इतना मैं बताऊँ कचरा है ना हमारे दिमाग और हमारे घरों में, कि इसको निकालने का वक्त आ गया। सीनियर हाउस, आज आप निकालें अलमारियाँ खोलें, देख किसी को सारी, किसी और के लिए बहुत काम आ जाएंगे, सवाब भी मिलेगा आपको और आपका घर साफ हो जाएगा। आज हम सबको एक घूम ले लेना चाहिए शो देखने के बाद, अगला आज हमें इसकी सफाई देंगे। इट योर शो, यू शुड टुडे आफ्टर दिस शो दे शुड डिसाइड कि मुझे अभी जाना है, मुझे अपना किचन अपना फ्रिज अपना बाथरूम एक चीज़ में साफ करनी है, और वो इस तरह करने की जो चीज़ छः महीने यूज़ करनी है फेंक दूँ, जो ये मैंने इतना सारा फाइल जमा किया है उसको मैं डोनेट कर दूँ। और फेंकना भी यार डोनेट कर दे किसी को जाकर, उसके काम आ जाएगा। दिस इज समथिंग यू आर डूइंग वेरी गुड, बिकॉज ये मोटिवेशन देगा बंदे को कि उठो यार एक रूम को साफ करो, उनको जब ये चेंज फील होगा तो उसके पूरे घर पर डोमिनो इफेक्ट करेगा। अच्छा अब एक और चीज़ जो है कि जब हम देने पर आते हैं ना सामान, तो हमें सिर्फ एक बंदा नजर आता है, वो होती है मासी, सब कुछ घर की एक मासी। मासी ने यार मतलब कहाँ बहुत ही मासी, सारा सामान एक मासी को नहीं देना। ये आपको ये भी बड़ा जरूरी है कि आप सही जगह दें, मुझे भी लगता है कि हम इस पर एफर्ट नहीं करते। अब दुबई में हमारे पास एक दो नंबर्स थे, आई रिमेम्बर कि उनको बुलाते थे, वो घर आके सामान ले जाते थे, फिर वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ईजी था। हम क्या कर सकते हैं, ये भी शो है। देखिए हम मुख्तलिफ किस्म के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपने नाम अगर बोलेंगे तो ले लूँगा, अगर आप आलमगीर वेलफेयर वाले हैं, चीफा हैं, दीदी हैं, इन लोगों के पास नंबर हैं, ये लोग आपके पुराने कपड़े पुरानी चीज़ें ले जाते हैं, मतलब फर्नीचर वगैरह जी, फर्नीचर भी ले जाते हैं। ये सैलानी है, सैलानी के बाकायदा सर्विस है ऐसी कि आप घर से पिकअप कर देंगे कपड़े फर्नीचर पुराना पुराना, दादाजी का बेड नानी जी का बेड, जब वो नहीं रहे तो उनके बेड को भी मतलब किसी के दुआई लग जाएगी। वो ना पुराने पुराने मुझे अच्छा, वो वैसे बेड होते हैं, हिला नहीं सकता कोई भाई। हाँ वो सॉलिड लकड़ी होती है पुरानी वाली, बहुत उसके अंदर आयरन भी होता है, वो बहुत सही। एक बेड से छह बेड बन जाए, और आप ग्रीन पर पतली लकड़ी चीजों का अगर आपको लगता है, मैं बहुत पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, उस पर ड्रेसेस बनाने पहले एंड देन गिव इट टू समवन एल्स, सो यू कैन आल्सो डू वन थिंग, यू कैन ग्रीन पर पतली स्टफ एंड बाय न्यू स्टफ। अच्छा ये जाते जाते ये बताएं कि ये जो स्टडी टेबल है बच्चों की किस डायरेक्शन में, विंडो सामने पीछे हो सामने हो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो इस हवाले से बहुत अच्छी, ईस्ट डायरेक्शन में आप रखें अगर स्टडी टेबल, और बच्चों के लिए ये कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए बच्चों के रूम, और बच्चों को स्टडी टेबल भी हल्का रखें, किताबें भर 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 के नहीं रख दें, विंडो वगैरह कभी होता है शेल्फ जो है शेल्फ बनाए उस पर बुक्स रखें, जितना ज़्यादा फाइल ऑफ बुक्स उनके टेबल पर होगा उतना वो स्टडी नहीं करता, वो उनका ब्रेन हैवी रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन लॉस हो जाएगी। और मैं आज आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपकी हर कमरे की खिड़की से खूबसूरत व्यू आना चाहिए। अब सामने अगर किसी का घर है तो कुछ तो है ना आपकी दीवार, तो बीच में आपने वहाँ प्लांट्स लाने हैं, आप बैम्बू लगा दें उसके जो होते हैं ट्रीज, उसको उससे खूबसूरत हो जाएगा, सामने वाले की गंदी दीवार भी छुप जाएगी, उसका ए सी के ऊपर जो प्लांट्स वो क्या कहते हैं क्या प्लांट्स कह रही हूँ, परिंदों ने जो अपने घर बनाए हुए हैं वो भी छुप जाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, मैं कुछ देखते इतने प्यारे प्यारे घर और लोगों ने इतने गंदे रखे हुए होते हैं ना, अपने घर को साफ करें, क्लटर डी क्लटर करें। और अच्छा आज हमने जो आपको बातें बताई ना, समझिए 10% ऑनलाइन जाएँ, फंगशुई के बारे में पढ़ें, हर कमरे की डिटेल दीजिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज जरूर वीडियोज और ये पटांग चीज़ें देखिए कुछ भी आज ऑनलाइन पे, फंगशुई के प्रिंसिपल पढ़ें, अपने घर की सेटिंग चीज हवा लगनी चाहिए, हर चीज़ हवा लेकिन गुजरती है, अगर आपने कुछ सामने रख दिया वहाँ वहाँ रुक गई, अच्छा और कुछ नहीं, चीज़ों को उठा के सिर्फ कहीं और अरेंज कर, चीज़ें उठाने से भी ना जो हवा रुकी नहीं है ना, हर महीने में चलने एक और चीज़ बना दिया, बता रहा हूँ माधव के साथ बात काट रहा हूँ कि हर एक दो महीने बाद आप तमाम फर्नीचर की स्पेस चेंज करें, उसका प्लेस चेंज करें, यहाँ से वहाँ कर दें, उसको मूव करते रहें, इससे भी एनर्जी फ्लो रहता है। एक जगह डंप किया आपने, छः साल गुजर गए वही चीज़ वहीं पड़ी है,
आपको अपने हर रूम की चीजों को मूव करना है जी, बिल्कुल ये बिल्कुल मूव करना है, जिससे एनर्जी फ्लो होता है। आपने अपना बेड अगर यहाँ था तो उसको यहाँ कर दें, थोड़ा बहुत आप मूव करें, ये रेगुलर अपना इसको ना आदत बनाए। हर एक चीज और अच्छा लगता है, बेड को इधर रख दिया, टेबल रख दिया, वो रुकी हुई हवा चले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी आप देखिएगा आपको चेंज नजर आएगा, कहते हैं कमरे की सेटिंग चेंज की, अच्छा लग रहा है, वो अच्छा इधर ही लग रहा है कि हवा चल रही है, आपके दिमाग को भी हवा लग रही है, चीजों को भी हवा लग रही है। थैंक यू सो मच अरुण, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन। सुबह सुबह अभी हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कोविड अभी भी है और उसकी बूस्टर डोजेज जो है वो कब लगाए, तो फाइजर भी कहीं कहीं लग रहा है मुझे, उसका भी पता चला। तो 3 महीने हो गए अगर आपकी वैक्सीनेशन, तो 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हर कोई अलग अलग बता रहा है, और लगाएं बूस्टर या ना लगाएं, तो इस पर हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक की वॉचिंग।